केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिलों को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गंज बसौदा में कांग्रेसियों ने नए बिल को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदेश कांग्रेस महासचिव निशंक जैन ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया है। कमलनाथ सरकार ने किसानों की प्रीमियम राशि भरी थी, बीजेपी ने किसानों को बीमा राशि नहीं दी है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द किसानों की बीमा राशि का भुगतान करे। इन मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के साथ किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर जल्द भुगतान करने की मांग की है। जो हमने बीमा कंपनियों को दिया था उसके आधार पर उन्हें बीमा देना चाहिए, यदि उस समय किसी की लपट। देखिए 2019 का बीमा मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत दिनों जारी किया और उस बीमा की प्रीमियम कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा जमा की गई थी, जिसकी वजह से बीमा आज मध्य प्रदेश के किसानों को दिया गया है। उसमें विसंगतियां हैं, कई गांव के गांव छोड़ दिए गए हैं,